और बांग्लादेश का आमार सोना बांग्ला उनके कामों को जो है उनके लिरिकल ब्यूटी और स्पिचुअल डेप्थ की वजह से बहुत पसंद किया जाता है और उनके जो काम थे उसमें उनकी जो प्रकृति और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाता है 1913 में उनको उनके कलेक्शन ऑफ पोम्स गीतांजलि के लिए नोबल प्राइज़ भी दिया गया तो आइए उनकी इस पोम द स्लीप दैट फ्लिट्स ऑन बेबीज आइज़ को रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं द स्लीप दैट फ्लिट्स ऑन बेबीज़ आइज डज एनीबडी नो फ्रॉम वेयर इट कम्स बच्चों की आंखों में जो नींद आती है कोई जानता है कि वो कहाँ से आती है येस देर इज़ अ रूमर दैट इट हैज़ अ ड्वेलिंग वेयर इन द फेरी विलेज अमंग शेडोज ऑफ़ द फॉरेस्ट डिमली लिट विद ग्लो फॉर्म्स जी हाँ ऐसी अफवाह है कि इसका आशियाना है जहाँ परियों के गाँव में जंगल की छाया के बीच चमकते कीड़ों यानी जुगनों की बात हो रही है से धीमी रोशनी होती है देयर देयर हैंग टू टिमिड बर्ड्स ऑफ इंचमेंट फ्रॉम देयर इट कम्स टू किस बेबीज आइज़ वहाँ जादू की दो डरी या शर्माई हुई कलियाँ लटकी हुई हैं वहाँ से बच्चों की आँखों को चूमने की बात आती है इस फर्स्ट स्टेंजा में जो पॉइंट हैं हमारे वो पूछते हैं कि वे वो जो नींद है बच्चे की आंखों में जो उड़ती है या आती है वो कहाँ से आती है और फिर वे उसका आंसर भी करते हैं और बोलते हैं कि ये जो नींद है वो नींद का जो घर है या निवास है वो जंगल में एक परी गांव में है जंगल में अंधेरा है या धीमी रोशनी है एक और एक एकमात्र रोशनी जो हम देख सकते हैं वो ग्लोब वार्म की है यानी कि जुगनुओं की है यहाँ दो जादुई कलियाँ हैं और इनसे बच्चों की आँखों को चूमने के लिए नींद आती है द स्माइल दैट फ्लिकर्स ऑन बेबीज लिप्स वेन ही स्लीप्स डज एनी बड़ी नो वेयर इट वॉज बॉर्न सोते समय बच्चे के होठों पर जो मुस्कान झिलमिलाती है क्या कोई जानता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था येस देअर इज अ रूमर हाँ ऐसी अफवाह है एक दैट अ यंग पेल बीम ऑफ अ क्रिसेंट मून टस्ड द एज ऑफ द ऑफ अ वैनिशिंग ऑटम क्लाउड कि जो एक अंध आधी आधा जो चाँद होता है उसकी युवा पीली किरण यानी कि यंग पेल बीम बीम का मतलब होता है किरण ठीक है तो एक युवा पीली किरण जो है लुप्त हो रहे या छुप रहे या ख़त्म होते हुए पतझड़ के बादलों के किनारे को छू लिया एंड देयर द स्माइल वॉज फर्स्ट बॉर्न और वहाँ पहली बार मुस्कुराहट का जन्म हुआ इन द ड्रीम ऑफ अ ड्यू वॉश्ड मॉर्निंग द स्माइल दैट फ्लिकर्स ऑन बेबीज़ लिप्स वैन ही स्लीप्स ओस से धुली सुबह के सपने में वह मुस्कान जो सोते समय बच्चे के होटों पर टिमटिमाती है इस सेकेंड स्टैंड में पॉइंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो बच्चे के होठों पर टिमटिमाती हुई मुस्कान है वो कहाँ जन्म लेती है कहाँ से आती है और इसका वो आंसर करते हुए कहते हैं कि ऐसी अफवाह है कि जो वो मुस्कुराहट है जो स्माइल है वो क्रिस मून यानी कि जो अर्धचंद्र है या आधा चांद है उसकी युवा पीली किरण यानी यंग पेल बीम बीम का मतलब मैं बता चुकी हूँ किरण या फिर रोशनी ठीक है तो इस इस ये जो रोशनी है वो छुप रहे या खत्म होते हुए पतझड़ के बादल को छूती है और फिर यहाँ से बच्चे की मुस्कान पैदा होती है द स्वीट सॉफ्ट फ्रेशनेस दूम्स ऑन बेबीज़ लिम्स दस एनी बडी नो वेर इट वॉज हिटन सो लॉन्ग यहाँ बच्चे की बात हो रही है बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं तो शीशु के अंगों पर जो मधुर कोमल ताजगी खिलती है क्या कोई जानता है कि वह इतने लंबे समय तक कहाँ छिपे रहे येस मैन द मदर वॉज़ अंग गर्ल इट ले पर वेटिंग हर हार्ट इन टेंडर एंड साइलेंट मिस्ट्री ऑफ लव हाँ जब माँ एक यंग गर्ल थीं यानी छोटी बच्ची थी तो प्यार का कोमल और मौन रहस्य उनके दिल में व्याप्त रहता था द स्वीट सॉफ्ट फ्रेशनेस डैट हैज़ ब्रोम्ड ऑन बेबीज लिम्स वह मीठी मुलायम ताजगी जो बच्चे के अंगों पर खिल गई है इस थर्ड स्टैंडर्ड में कवि जो है या हम, हमारे जो पॉइट हैं रबिंद्राथ टैगोर वो फाइनली पूछते हैं कि बच्चे की जो ताजगी है वो कहाँ से मिलती है और वो हैरान होते हैं और सोचते हैं कि जो मीठी मुलायम ताजगी इतने समय से कहाँ छुपी हुई है और इसका फिर वो आंसर देते हुए कहते हैं कि एक जो यंग गर्ल होती है एक जो छोटी बच्ची होती है उसके दिल में छिपा था वो और जो बाद में बच्चे की माँ बनेगी वो कोमलता यानी सॉफ्टनेस कोमल और मौन प्रेम के रूप में उसके दिल पर छा गई और यही वह प्रेम है जो एक शिशु एक जो बिल्कुल तुरंत जन्मे बच्चे के अंगों पर खिल उठा है यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर इस पोम में बेसिकली एक सोते हुए बच्चे की एक सुंदर सी इमेज बनाते हैं और हमें बताते हैं कि बच्चा जो है कैसे सो जाता है कैसे मुस्कुराता है और उसका शरीर इतना कोमल और मुलायम क्यों है आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोम विद द गिवन एक्सरसाइजेस फर्स्ट एक्सरसाइजेज फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है द पॉइट विशेज टू नो वेयर द डैश दैट फ्लिट्स ऑन द बेबीज आइज़ कम फ्रॉम तो so, यहाँ पे स्लीप की बात हो रही है सेकेंड द फॉरेस्ट इज नॉट कम्प्लीटली डार्क बिकॉज इट इज़ डिमली लिट बाय द ग्लो वम्स थर्ड अ डैश कैन बी सीन फ्लिकरिंग ऑन द बेबीज लिप्स वेन ही स्लीप्स सो स्माइल की बात की गई है यहाँ पर और फोर्थ है द बेबीज लिम्स हैव अ डैश यानी कि उसके लिम्स कैसे हैं सो स्वीट सॉफ्ट फ्रेशनेस नाउ लेट सॉल्व द एक्सरसाइज बी आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द स्लीप दैट फ्लिट्स ऑन द बेबीज आइज लीव बेबी की आंखों में आने वाली जो नींद है वो कहाँ रहती है आंसर द स्लीप दैट फ्लिट्स ऑन द बेबीज आइज लीव्स इन अ फेरी विलेज इन द फॉरेस्ट द फॉरेस्ट इज रेदर डार्क एंड द ओनली लाइट दैट वी सी इज द लाइट एमिटेड बाई द ग्लोवॉर्म्स यानी कि जो आ, जो नींद जो बच्चे की आंखों में आती है वो एक जंगल में परियों के गांव में रहती है और वो जंगल काफ़ी डार्क है काफ़ी अंधेरा है वहाँ और जो थोड़ी रोशनी हम उसमें देखते हैं वो जुगनों की है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डज़ द पॉइट डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ़ द स्माइल ऑन बेबीज लिप्स यानी कि बच्चे की होठों पे आने वाली जो मुस्कुराहट है उसका जन्म कैसे होता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है यहाँ पर आंसर द पॉइट सेज दैट देयर इज़ अ रूमर दैट द स्माइल ऑन द बेबीज़ लिप्स कम्स फ्रॉम अ बीम ऑफ अ क्रिसेंट मून यानी कि जो हमारे लेखक थे इस पोम के वो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि ये एक अफवाह है रूमर का मतलब होता है अफवाह तो ये एक अफवाह है कि जो बेबी के लिप्स पे होठों पे आने वाली जो स्माइल है वो क्रिस्टेंट मून के बीम से आती है क्रिस्टेंट मून का मतलब होता है जो अधर, अर्ध चंद्र होता है यानी आधा चाँद और उसकी जो रोशनी होती है उसको कहते हैं बीम ठीक है तो वो कहते हैं कि इसकी रोशनी से आता है और when the यंग बीम कम्स इन contact विद vanishing autumn क्लाउड द स्माइल ऑफ़ द बेबी is born early इन द मॉर्निंग और जब ये चांद की जो रोशनी है वो जाते हुए ऑटम के क्लाउड यानी कि पतझड़ के बादलों से जब वो मिलती है उसके कॉन्टेक्ट में आती है तो जो मुस्कुराहट है वो बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग में जन्म लेती है थर्ड क्वेश्चन वॉट फील्ड द मदर्स हार्ट वन शी वॉज अ यंग गर्ल जो मदर का दिल है वो किस चीज़ से भरा होता है जब वो एक छोटी बच्ची होती हैं when the mother was a young girl jab maa ek choti thi, a sweet soft freshness hid in her heart एक मधुरता एक कोमलता जो है उनके दिल में था छुपा हुआ था दिस सॉफ्टनेस ऑक्यूपाइड हर इंटायर हार्ट इन द फॉर्म ऑफ टेंडर एंड मिस्टीरियस साइलेंट लव और ये जो सॉफ्टनेस थी ये जो कोमलता ये जो मधुरता थी ये उनके पूरे दिल में जो है पूरे दिल को ऑक्युपाई कर लिया था और एक मिस्टीरियस सा साइलेंट लव था उनके दिल में मतलब कि जो एक छुपा हुआ सा एक रहस्यमयी जो प्यार था वो उसके दिल में बसा हुआ था इट इज़ दिस लव दैट लेटर ब्लूम्ड और ब्लोसम ऑन द बेबीज बॉडी और यही वो प्यार है जो बाद में जो है जब वो मदर बन जाती है तो वो प्यार जो है वो खिलता है और खिल कर जैसे कली जो है फूल में बदल जाती है वैसे वो जो दबा हुआ प्यार था वो खिल करके बच्चे के शरीर के रूप में एक जो है वो ब्रोसम होता है खिल जाता है नेक्स्ट एक्सरसाइज थिंक एंड आंसर क्वेश्चन पूछा गया है विच स्टेंजा ऑफ द पोम कंटेंट्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉन्ड between the mother and her child quote a line that brings brings out the beauty of, his, of this bond answer in the third stanza the line yes when the mother was a young girl it lay pervading her heart in tender and silent mystery of love brings out the beauty of the bond between the mother and the child let's know the poem now yahpo figure of speech are used to make the language of poem एंड इस्टोरीज़ मोर ब्यूटिफुल जो फिगर ऑफ़ स्पीच है ये हमारी स्टोरी को या फिर हमारे पोम्स को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेज में ठीक है तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं ये सिमिलीज मेटोफोर्सो परसोनीफिकेशन एलिट्रेशन एसोनेंस ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी फ़िगर ऑफ स्पीच ठीक है सो यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन फ्राम देयर इट कम्स टू किस बेबीज़ आइज़ अब ये जो लाइन है हमारी फ्रॉम देयर इट कम्स टू किस बेबीज़ आई इस लाइन में जो है कौन सा फ़िगर ऑफ़ स्पीच यूज़ किया गया किया हुआ है तो यहाँ पर जो इट है इट क्या है यहाँ पर स्लीप तो जो नींद है वो बच्चे की आंखों को किस करता है तो जो तो स्लीप है हमारा नींद है जो निद्रा होती है वो कोई इंसान तो नहीं है कोई लिविंग थिंग तो नहीं है तो वो कैसे किस कर सकते हैं किस करने का काम तो किसी लिविंग बिंग का हो सकता है ना तो ये किसी निर्जीव चीज को जीव चीज़ की जो एक्शंस है उसको दिखाना उसके थ्रू वो क्या कहलाता है परसोनीफिकेशन यानी कि आ, किसी को इंसान वाले गुण दिखाना किसी चीज़ में जो कि निर्जीव हो तो ये कहलाता है परसोनीफिकेशन नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दीज वर्ड्स वर्ड पेयर्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन ये तीन ऑप्शन जो आपको दिए हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कौन सा जो ऑप्शन है वो एग्ज़ाम्पल नहीं है एलिट्रेशन का तो देखिए टू टिमिड ट ट स्वीट सॉफ्ट स स तो ये दोनों तो एलिट्रेशन हुए ट्यू वॉश्ड ये हमारा एलिट्रेशन नहीं है तो ये हमारा आंसर है थर्ड में देखिए विच ऑफ दीज वर्ड पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन अब इसमें आपको एलिट्रेशन का एग्जाम्पल बताना है तो देखो ह हट हर हार्ट तो यहाँ पे ह ह जो है ये क्या है हमारा इलेक्ट्रेशन ग्लो वॉर्म और साइलेंट मिस्ट्री ये हमारा एलिट्रेशन नहीं है आई होप कि इस पोम की एक्सप्लेनेशन और इसकी सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हमरी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग